वर्षा, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। क्लास सिक्स मैथमेटिक्स जो कि सीबीएसई बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन जो कि हम देख रहे थे, एंड एक्सरसाइज 4.3 आई थिंक हम देख रहे थे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर है आज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? अरेंज Arrange the following fractions in ascending order। देखो फ्रैक्शन हमें गिवन है, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब अरेंज करने से पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले आएगी सबसे छोटी फ्रैक्शन, देन उससे बिग, उससे बड़ी ये। तो होता है असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन आता है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। अगर इसका ऑपोजिट हो कि वो वहां पर पूछा गया हो डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, देन उससे छोटा, उससे स्मॉल। क्लियर है सभी को? तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या गिवन है? 2/9, 7/9, 3/9, 4/9, 1/9, 6/9 एंड 5/9। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जितने भी फ्रैक्शन गिवन है सबका डिनोमिनेटर कितना गिवन है? 9। तो सभी का डिनोमिनेटर अगर 9 गिवन है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़े नंबर से बड़ी फ्रैक्शन जो होती है वो बड़ी होती है, एंड छोटे नंबर से बड़ी फ्रैक्शन क्या होती है? हमेशा स्मॉल होती है। तो यहां पर हम अगर लाइन से देखें तो सबसे पहले स्मॉल नंबर है 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर है? तो लाइन से हम क्या लिख सकते हैं? देखो असेंडिंग लिखने के लिए 1/9, सेकेंड इज 2/9, थर्ड इज 3/9, देन 4/9 एंड 5/9 भी था, यस 5/9, 6/9 एंड 7/9। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर यही होता है। सेकेंड हम देखते हैं 7/8, 7/25, 7/11, 7/18, 7/10। अब यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट गिवन है, डिनोमिनेटर सभी का डिफरेंट है एंड न्यूमरेटर क्या है सभी का सेम, दैट इज 7। तो इस केस में क्या होता है, जो अभी हमने डिनोमिनेटर का केस देखा था उससे जस्ट ऑपोजिट होता है कि अगर न्यूमरेटर सभी का सेम हो तो बड़े नंबर से बनी फ्रैक्शन होती है स्मॉल, एंड स्मॉल नंबर से बनी हुई फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है? बिग होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे बिग नंबर देखते हैं, वो क्या होगा? एकदम स्मॉल होगा। तो सबसे बिग नंबर देखते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर में सबसे जो बिग नंबर है वो है 25, तो फ्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी? सबसे स्मॉल होगी। देन है 18, देन सेकेंड नंबर पे मिलेगा हमें 7/18, थर्ड है 10, 11 एंड 8, तो कौन सा मिलेगा? 11, फोर्थ वन इज 7/10 एंड फिफ्थ इज 7/8। क्लियर है? तो सेकेंड नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, 37/47, 37/50, 37/100, 37,000, 37,85, 37,41। यहाँ भी सेकेंड नंबर की जैसा ही है, एकदम सेम, न्यूमरेटर सभी का सेम है, डिनोमिनेटर सभी का डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर में जो भी सबसे बिग होगा वो सबसे क्या होगी? स्मॉल फ्रैक्शन होगी। तो देखो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? 1000, देन सेकेंड, फर्स्ट वन इज 1000, सेकेंड पर क्या है? 85, 41, 100, तो 100 होगा। सेकेंड पर क्या होगा? 100, जो कि स्मॉल फ्रैक्शन होगी। थर्ड इज 85, थर्ड इज 85 एंड फोर्थ इज 50, फिफ्थ इज 47 एंड लास्ट इज 37/41। क्लियर है? देखो ऐसा क्यों होता है, न्यूमरेटर अगर सभी का सेम होता है तो जो बड़े नंबर से बनी फ्रैक्शन है वो क्या होती है? हमेशा स्मॉल होती है। देखो आप किसी भी नंबर को जितने ज्यादा नंबर से डिवाइड करते हो आंसर हमें क्या मिलता है? उतना ही स्मॉल। अब यहाँ पर सबसे बिग नंबर है 1000, 1000 से 37 डिवाइड होगा तो बहुत ही स्मॉल नंबर मिलने वाला है। देन अब 37 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इससे तो थोड़ा सा बिग ही मिलेगा, देन उससे भी छोटे डिजिट से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं देन उससे भी बड़ा मिलेगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कर लिया है। फोर्थ नंबर देखते हैं 3/5, 1/5, 4/5 एंड 2/5। यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर सभी के सेम है, जो कि कितने हैं?
5 गिवन है। तो यहाँ पर तो वही फर्स्ट वाला केस होगा कि बड़े नंबर से बनी फ्रैक्शन बड़ी होती है एंड छोटे नंबर से बनी हुई फ्रैक्शन क्या होगी, हमेशा स्मॉल होगी। तो हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ही लिखना है। तो सबसे स्मॉल नंबर है 1, 1 बाय 5, सेकेंड वन इज 2 बाय 5, थर्ड इज 3 बाय 5 एंड फोर्थ इज 4 बाय 5। क्लियर है सभी को? दिस इज थर्ड नंबर एंड दिस इज फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर भी हम देख लेते हैं, 2 by 5, 3 by 4, 1 by 2, 3 by 5। अब ये देखो यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 6, 3 by 8, 3 by 12, 3 by 6, 3 by 4। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर सभी के सेम है, तो न्यूमरेटर के केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर पर हम जाते हैं, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही फ्रैक्शन क्या होगी, स्मॉल होगी। तो सबसे पहले सबसे बिग वन हम लेते हैं 3 by 12, जो कि क्या होगा सबसे स्मॉल। सेकेंड वन इज 3 by 8, 3 by 6 एंड देन 3 by 4। क्लियर है सभी को? लास्ट हम देखते हैं 4 by 6, 3 by 8, 6 by 12, 5 by 16। सारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सभी क्या है, डिफरेंट है। तो देखो दिस इज 5th एंड दिस इज 7th, तो 5th और 7th को हम एक न्यू स्लाइड पर देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है, 2 5 3 4, 2 by 5, 3 by 4, 1 2 3 5। चलो एक बार लिख लेते हैं 2 5 3 4, 2 5 3 2 5 3 4 and 1 by 2 and 3 by 5। तो देखो दिस इज 5th नंबर, ओके ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, सभी डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर हमें गिवन है सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्लियर? तो एलसीएम देखो 5 4 2 and 5। सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 1 5 4 2 and 5 1 5। देन 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 1 1 1, अगेन 2 से करते हैं 1 1 1 and 1, 5 2 10 10 2 20। कितना मिलेगा हमें, 20 एलसीएम। अब देखो 5 4 20, 4 2 8 8 एंड 4 5 20, 5 3 15, 2 10 20, 10 1 10, 5 4 20 एंड 4 3 12। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन देखेंगे, तो सबसे स्मॉल फ्रैक्शन है वो है 8, सेकेंड वन इज 10, थर्ड इज 12 एंड फोर्थ इज 15। तो देखो फर्स्ट नंबर पे आएगी 1 3 4 and 2, 1 3 4 and 2। तो देखो फर्स्ट नंबर पे हम लिख सकते हैं 2 by 5, सेकेंड इज 1 by 2, 3 by 5 एंड लास्ट इज 3 by 4। क्लियर है? तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है। एक लास्ट और देख लेते हैं, जो कि है 7th नंबर। 7th नंबर में क्या है, क्या क्या फ्रैक्शन गिवन है, 4 by 6, 4 by 6, 3 by 8, 4 6, 3 by 8 एंड टू फ्रैक्शन और क्या है, 6 12, 5 16, 6 12 एंड 5 16। क्लियर? अब देखो यहाँ भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं 6 8 12 and 16 का, जो 3 से करते हैं 3 2 6 8, 3 4 12 एंड 16। 2 से करते हैं 2 1 2 4 2 2 2 8 16। क्लियर? अगेन 2 से करते हैं 2 2 4 1 एंड 2 4 8, अगेन 2 से करते हैं 1 1 and 2, फिर लास्ट में भी 2 से करना होगा, देन ये सारे क्या हो जाएंगे 1। यहाँ पर आप 1 1 1 1 1 लिख सकते हो। क्लियर? 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 एंड 48। सो एलसीएम है हमारा, कितना है एलसीएम, 3 2 2 2 and 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 48। क्लियर? 8 8 4 32, 6 3 18, 24
एंड 15 के लिए। तो फिर फ्रैक्शन देखते हैं, 15 सबसे स्मॉल है तो फर्स्ट में मिलेगा 5 बाई 16, सेकेंड इज 5 बाई 16, सेकेंड क्या है 18, सो 3 बाई 8, थर्ड इज 24, सो 6 बाई 12 एंड फोर्थ इज 32, सो 4 बाई 6। क्लियर है? तो आपको ये चारों फ्रैक्शन मिल गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दो ही क्वेश्चन थे जिनमें एलसीएम लेना था, बाकी तो सभी क्वेश्चन हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देख के ही कर लिया था। क्या होता है अगर डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो न्यूमरेटर में देखते हैं जो सबसे स्मॉल नंबर होगा वो फ्रैक्शन में क्या होगी, सबसे स्मॉल होगी। लेकिन अगर इसका अपोजिट है, न्यूमरेटर सभी के सेम है, देन हम डिनोमिनेटर को देखते हैं एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, जो सबसे बिग होता है वो फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे स्मॉल होगी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सभी का क्लियर हुआ होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।